हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं अंजलि गोठाने। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन मसाले भात। तो इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। दो कटोरी मैंने राइस लिया है, फ्लावर, मटर और छिलके वाले आलू पानी में डाल के रखे हैं ताकि काले ना पड़े, और मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। और ये खड़े मसाले हमें लगेंगे, तेजपान लगेगा और सूखा नारियल, एक प्याज, अदरक, लहसुन, जीरा और पॉपी सीड्स। सबसे पहले हम सूखा नारियल भून लेते हैं, थोड़ा तेल डाला है। यह अभी हो गया है। अभी इसमें प्याज और पॉपी सीड्स। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। इसमें खड़े मसाले एक इंच का दालचीनी डाल रही हूँ और 5-6 में लौंग, 3-4 इलायची और काली मिर्च। इसमें अदरक, लहसुन और जीरा। और ये बड़ी इलायची है, इसे तोड़ के हम डालेंगे। ऊपर का जो कवर होता है वो नहीं डालेंगे। बस ये हो गया है। अभी मिक्सी में डाल के इसे पीस लेंगे। सबसे पहले हम 2 चम्मच मैंने तेल लिया है, इसमें ये हरा मसाला डाल देते हैं, प्याज वाला, प्याज, खड़ा मसाला सब इसमें मैंने मिक्सी में मिक्स कर लिया है। अदरक, लहसुन, थोड़ा मसाला हमारा भून जाए। इसमें एक तेजपान और एक स्टार फूल डाला है। हमारा मसाला भी हो गया है। इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, बिल्कुल 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर और स्वादानुसार नमक। अब इसमें फ्लावर, पोटैटो, आलू डाले हैं। और हरा मटर, ग्रीन चिली। चावल भी हम इसमें डाल देंगे। चावल को थोड़ा भूनेंगे इसमें मसाले में, इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी।
चावल मैंने दो कटोरी लिए हैं, पानी गर्म किया है मैंने, पांच कटोरी पानी है, दो कटोरी मैंने चावल लिए हैं, तो दो कटोरी से डबल हम चावल के लिए यूज़ करेंगे और एक कटोरी वेजिटेबल के लिए। इस तरह पांच कटोरी पानी हम मैंने इसमें डाला है। अभी इस पे रखते हैं ढक्कन और इसे होने देते हैं। अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा होने देते हैं इसे और दो मिनट, ऑलमोस्ट हो गया है। वाओ, हमारा राइस बनके रेडी है, इसे हम आप निकाल लेते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।